फूल जोहार। आज 30 जून को हम लोग सिदो कन्हू के यादगार में यह दिवस मना रहे हैं। जी हाँ, 30 जून 1855 को भवनाडी के इसी मैदान में सिदो कान्हू चांद भैरव और फूलो जानो के नेतृत्व में 30,000 लोग जमा हुए थे अंग्रेज शासकों और सूदखोर महाजनों के खिलाफ। ऐतिहासिक संताल होल की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। आज भी भवनाडी में इसी की याद में प्रत्येक साल लोग 30 जून को आते हैं। भवनाडी में सिर्फ झारखंड से ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम से भी हजारों की संख्या में आदिवासी और मूलवासी के लोग आते हैं। इस अवसर पर भवनाडी में बड़े बड़े नेता, मंत्री और पदाधिकारी भी आते हैं। वे भवनाडी आते हैं, सिदो कान्हू की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, श्रद्धा सुमन कर अर्पित करते हैं और फिर वे चले जाते हैं और आज भी यह सिलसिला जारी है। आज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। सिदो कान्हू चांद भैरव और फूलो जानो का इस फूल के पीछे क्या मकसद था, उनका क्या सपना था, क्या आज सपना वह पूरा हो रहा है? पूरे संताल पाना को छोड़ दीजिए, भवनाडी के आसपास के गांवों पर नजर दौड़ाइए। भवनाडी के आसपास के गांव के लोग क्या शिक्षित हैं? क्या वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है? भवनाडी के जो आसपास के आदिवासी और मूलवासी हैं, क्या अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं? क्या भवनाडी के आसपास जो विद्यालय बने हुए हैं, क्या वहाँ बच्चे हैं, क्या शिक्षक हैं? क्या यही राजकीय उच्च विद्यालय भवनाडी बरेठ है? क्या हमारे बच्चे इस तरह के विद्यालय पढ़ सकेंगे? राजकीय उच्च विद्यालय भवनाडी के नाम पर यह भवन बनाया गया है, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि इस पर कोई क्लास हुई है। जब से बना है तब से हम लोगों ने ऐसे ही देखा है और इस भवन का उपयोग ऐसे ही हो रहा है। शिक्षक TTC महाविद्यालय बने हुए हैं, क्या वहाँ शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है? यही भवनाडी, हम लोग इधर जो सामने देख रहे हैं, यह भवनाडी का जो है जहाँ मेला लगता है वह स्थान है इधर। और जहाँ हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये TTC कॉलेज का जो हॉस्टल है, TTC कॉलेज जहाँ तो बनाया गया है, जहाँ कभी चालू नहीं हुआ। यह TTC कॉलेज का हॉस्टल
छात्रों के हित के लिए बनाया गया था। टीटीसी कॉलेज में पढ़ेंगे और यहाँ रहेंगे, इस तरह से ये छात्रों के हित के लिए बनाया गया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मैंने इससे कोई छात्रों का हित नहीं हो रहा है, अब करोड़ों रुपये सरकार का इसमें बर्बाद हो गया है। बगुनाडी के आसपास बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, क्या उन भवनों का उपयोग हो रहा है? प्रत्येक साल विभिन्न प्रांतों से हजारों लोग बगुनाडी आते हैं, क्या उनके आवागमन के लिए चौड़ी सड़कें हैं? क्या पेयजल और शौचालय की सुविधा है? क्या उनके ठहरने की सुविधा है? क्या आज की यह परिस्थिति देखकर सीधो कानून चांद भैरव और फूलो जानो की आत्मा नहीं रो रही है? सीधो कानून चांद भैरव फूलो जानो और अन्य वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर अलग संताल प्राणा का गठन किया। यहाँ के लिए अलग नियम कानून बनाए गए। इस नियम कानून के अनुसार यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो मूलवासी हैं, उनके जमीन की खरीद बिक्री नहीं होगी। क्या आज यह सुरक्षित है? सिद्धो कानू का सपना पूरा करने के लिए हमें अपना कर्तव्य समझना चाहिए। उनका बलिदान हमारे लिए गौरव की बात है। आइए हम समाज की भलाई के लिए शोषण और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए प्रतिज्ञा लेंगे। जय हूल।